नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश शर्मा है एंड वेलकम टू एफटी एकेडमी स्टडी इनफाइनाइट चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसबीआई क्लेरिकल मींस एंड आरबीआई असिस्टेंट मींस स्पेसिफिकली फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है दोस्तों, काफ़ी दिनों से बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, सर एसबीआई के लिए कहाँ से पढ़ें, आरबीआई हमारा मींस है, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, कितनी देर पढ़ें, मॉक कहाँ से दें, किस तरह से जाएँ। तो आज मैं आप लोगों को इन सारे सवालों के जवाब लेके ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने डिमांड किया था कि सर इस तरह से ये बताइए कि किस तरह से प्रिपेयर करें कि हमारा इस बार एसबीआई क्लर्क निकल जाए। अभी रिसेंटली आप सभी को पता है कि आईबीपीएस का रिजल्ट अनाउंस हुआ है लास्ट वीक ओनली, तो काफ़ी सारे बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन जो लोग बाउंड्री पर रुक गए हैं या फिर काफ़ी मार्जिन से भी रुके हैं, उन सबके मन में कहीं ना कहीं एक ये चीज़ ज़रूर आई होगी कि नहीं, बस अब एसबीआई क्लर्क तो निकालना ही निकालना है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए, उन लोगों को और मोटिवेट करने के लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो फॉलो कीजिएगा इस चीज़, इस वीडियो में जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आपने ईमानदारी से उनको फॉलो किया तो गारंटी मैं मान के कर सकता हूँ कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। ठीक है ना, बाकी सब्जेक्ट्स पे भी आपको उतना ध्यान देना पड़ेगा, नो डाउट अबाउट इट, बट क्यूए आपकी कमजोरी बन के नहीं निकल के आएगा, दैट इज माई गारंटी। ओके, तो फॉलो करिएगा जो मैं चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। ये सेशन वाकई में आप लोगों के लिए एक बड़ा चेंजिंग भी हो सकता है, हालांकि इसमें कोई ऐसी चीज़ मैं नहीं बताने जा रहा हूँ कि जो एकदम नई होगी, लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो आपके अनआंसर्ड है उनके जवाब आप लोगों को मिल जाएंगे। क्लियर, क्योंकि मैं टेलीग्राम चैनल होता है या यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स में जब देखता हूँ, तब बच्चों का, मैक्सिमम बच्चों का यही सवाल रहता है, सर तैयारी कैसे करें, स्ट्रेटजी बताइए किस तरह से इसको क्लियर करें। देखिए मैं एक चीज़ आपको क्लियर बता देता हूँ, स्ट्रेटजी, प्रिपरेशन मैथड, मैथडोलॉजी, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके मन में आपका फोकस एकदम क्लियर होना चाहिए, अगर फोकस क्लियर है तो उसको पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, दैट इज़ माई गारंटी। लेकिन अगर आप फोकस्ड ही नहीं है, आप कितनी भी स्ट्रेटजी बना लीजिए, आप कितने भी मॉक सेशन अटेंड कर लीजिए, आप कितने सेलेक्टेड लोगों से मोटिवेशन प्राप्त कर लीजिए, तब तक आपको अपना गोल अचीव नहीं होगा। ठीक है, थोड़े से हार्श वर्ड ज़रूर है, लेकिन दैट इज़ द रियलिटी। ठीक है, तो मैं आपको कोई भी ऐसी होप नहीं दूंगा जो कि गलत है, जो कि आपको गलत रास्ते पे ले जाएगी या थोड़े समय के लिए सेटिस्फाई कर देगी, लेकिन लॉन्ग टर्म पे वो आपके लिए नुकसानदायक रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम मीठी मीठी बातें ना करते हुए सीधा काम के मुद्दे पे आते हैं, तो समझते हैं चीज़ों को। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, काफ़ी सारे बच्चे ये पूछते हैं, सर अभी मेन्स लेवल के लिए क्वांट कहाँ से पढ़ें। ठीक है, मेन्स लेवल का क्वांट कहाँ से पढ़ें, दैट इज द केस। ओके, तो मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके सामने है, बट अगेन वही बात है कि आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं या उस डेडिकेशन से, उस ट्रस्ट के साथ उस चीज़ को कर नहीं पाते हैं। तो मेंस लेवल का कंटेंट या क्वांट कहाँ से पढ़ा जाए, ठीक है, उसके लिए कोई टेलीग्राम चैनल बताइए या उसके लिए कोई लिंक बताइए, यूट्यूब में किस फैकल्टी को लगाएं या कोई पेड कोर्स अगर है। दोस्तों मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अभी तक मैं, जब से लॉकडाउन हुआ है अगर आप नोटिस करेंगे, और मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैंने, आप देखिए, मैं दिन में कम से कम 3 या 4 लेक्चर टोटली फ्री लेक्चर्स ले रहा हूँ। ठीक है ना, उसमें से मैक्सिमम लेक्चर दे आर डेडिकेटेड टू द मेन्स लेक्चर। ठीक है, तो आपको कहीं पर कोई पेड कोर्स जाने की जरूरत नहीं है, सारा कंटेंट हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए यूट्यूब पे मैक्सिमम कंटेंट अवेलेबल कर रखा है। ओके, तो आप लोगों को सिर्फ उन वीडियोस को बार बार रिपीट मोड पे लगा देना है। कुछ बच्चे इसको रेगुलर फॉलो भी कर रहे हैं, आई डू एग्री, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मन आया तो देखते हैं, एक आध क्वेश्चन अच्छा लगा तो देख लिया, मन नहीं लगा, कुछ समझ में ऐसा लगा यार ये क्वेश्चन तो मैंने पहले कर रखा है, स्किप कर दिया। नो, आपको ईमानदारी से, भले ही आपको वो क्वेश्चन पहले से बना रखा हो या कर रखा हो, रिपीट करने में क्या बुराई है। ठीक है ना, तो ये चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप बार बार उन लेक्चर्स को देखिए, उनसे सीखिए और उनसे समझने की कोशिश कीजिए। अब ये सारे लेक्चर आपको मिलेंगे कहाँ, मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला हमारा सोर्स जो है दोस्तों, सबसे पहले टॉप 200 अर्थमेटिक क्वेश्चंस। ओके, तो ये अर्थमेटिक क्वेश्चन मेरे अच्छे नहीं है, मैं कहाँ से पढ़ूँ, किस तरह से करूँ, तो अर्थमेटिक क्वेश्चन मैंने मेंस लेवल के अर्थमेटिक क्वेश्चन दोस्तों, मेंस लेवल के 200 क्वेश्चंस मैंने पूरे पूरे कवर किए हैं अनअकैडमी प्लस के स्पेशल क्लासेस में। ठीक है, अब आप इनको कैसे एक्सेस कर सकते हो,
वो मैं आपको सारी चीजें सिखा रहा हूँ, फॉलो कर लेना। मैंने अपने इस लिंक में, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए जो जो चीजें मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा कौन सी चीज आपको कहाँ मिलेगी, किस तरह से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये जो मेरे टॉप 200 लेक्चर्स हैं, ये आपको अगर देखने हैं तो आपको जाना होगा अनअकैडमी प्लस पे, मेरी प्रोफाइल में। सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप लोकेश शर्मा नाम से मेरी प्रोफाइल में जा सकते हैं, और मेरी प्रोफाइल का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर क्लिक कीजिएगा। यू विल डायरेक्टली गो थ्रू माई प्रोफाइल, और वहाँ पे मैंने जितने भी स्पेशल क्लासेस अटेंड किए हैं अभी तक, बनाए हैं, वो सारे क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इन अ मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल मैंने ये 200 क्वेश्चंस के तकरीबन 20 या 21 लेक 22 या लेक 20 या 22 लेक्चर मैंने कवर किए हैं, ठीक है। बैक टू बैक ये सीरीज से आपको मिल जाएंगे, नंबर डाल के रखा है मैंने लेक्चर 1, 2, 3, 4, तो आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और ये सारे के सारे 200 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इन सबके पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज रखे हैं, तो आप वहां से इनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे वीडियो विद कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चन 200 की सीरीज जो थी, इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने एप्टी अकेडमी पे भी कवर किए हैं, इसके प्लेलिस्ट भी मैंने इस डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखी है। तो आपके यहाँ पे अर्थमेटिक क्वेश्चन, अच्छे अर्थमेटिक क्वेश्चन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, गॉट इट, ओके। तो टॉप 200 अर्थमेटिक क्वेश्चन प्लीज यहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ता हूँ, दूसरी बड़ी चीज होती है मेंस लेवल की डीआई करनी है, तो मेंस लेवल की तकरीबन मैंने 45 क्वेश्चंस की सेट लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम जो अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है वहां पे क्रैक कवर किए हैं इन अ मंथ ऑफ मार्च एंडिंग, ठीक है ना। मार्च से लेके अप्रैल में मैंने ये कुछ सेशंस कवर किए थे। इन सबका डिटेल लिंक जो है, मैं इसकी जो प्लेलिस्ट का लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां पे जाइएगा और उन क्वेश्चंस को देखिएगा। यहाँ पे मैंने तकरीबन 10 सेशंस लिए थे, 10 तो नहीं, 10 या 12 सेशन कुछ लिए हैं, और उसमें लगभग हर सेशन के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, गॉट इट। तो इन क्वेश्चंस को गो थ्रू करिएगा, तो इनकी लिंक आपको मिल जाएगी। प्लस अभी प्रेजेंटली मैंने ये सीरीज फिर से शुरू की है, जो कि मैं एप्टी अकेडमी के मेरे इसी चैनल पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी भी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो प्रॉपर मैंने एकदम एक एक चीज को मेंशन करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, सारे लिंक सारे कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपने ईमानदारी से इतने डीआई कवर कर लिए, जो 40-45 डीआई मैंने पहले कवर करवाए वो, और अभी इस सीरीज में भी मैं तकरीबन आपको 40-50 डीआई और कवर करवाऊंगा, यानी मेंस लेवल के 100 डीआई अगर आपने बना लिए, तो भैया इससे बाहर कुछ नहीं जाने का है, आपको सिर्फ अपनी नॉलेज को वहां पे अप्लाई करके आना है, ठीक है। आई थिंक ये बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे आप लोगों के लिए, और मोटिवेशनल रहेंगे और कॉन्फिडेंस बूस्टर रहेंगे, ठीक है। एक बार डीआई पे कमांड हो गया तो आप बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में। इसके बाद आगे बढ़ता हूं, इसके बाद आजकल एक और डीआई आने लगा है, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड। कभी टाइम एंड वर्क पे बना देते हैं, कभी प्रोबेबिलिटी पे बना देते हैं, कभी पार्टनरशिप पे दे देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस, डीआई बेस्ड ऑन अर्थमेटिक क्वेश्चंस, मैंने भी इसकी भी सीरीज आपके इसी चैनल पे लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम पे कवर की है। इस पे मैंने तकरीबन 18 या 19 लेक्चर मैंने कंडक्ट किए हैं, और हर लेक्चर में तकरीबन 2 से 3 क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं हर लेक्चर में। तो मान के चलिए तकरीबन इसके भी आपको 35 to 40 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्योर अर्थमेटिक बेस्ड क्वेश्चंस हैं, प्योर, ठीक है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, डिटेल कैलकुलेशंस कंसेप्ट के साथ मैंने यहाँ कवर किए हैं। सेम इनकी पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर रखी है, तो वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉलो कीजिएगा, तो अर्थमेटिक बेस्ड डीआई 35 to 40 ये आपको करने को मिल जाएंगे। दोस्तों अभी तक देखो 200 अर्थमेटिक क्वेश्चंस डीआई, और उसके बाद अर्थमेटिक बेस्ड डीआई, गॉट इट। इसके बाद आगे बढ़ता हूं, फिर इसके बाद डेटा सफिशिएंसी, मेंस लेवल में डेटा सफिशिएंसी के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके भी मैंने 7 लेक्चर कवर किए हैं ऑन अनअकैडमी, ठीक है ना। लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम, इसके भी कंप्लीट प्लेलिस्ट मैं आप लोगों को इस डिस्क्रिप्शन में दे रहने वाला हूं, ठीक है। इसी सीक्वेंस में मिलेंगे, सोर्स 1, सोर्स 2, सोर्स 3, इसी सीक्वेंस में मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे रखे हैं, गो फॉर इट। देखिए डेटा सफिशिएंसी का काफी हद तक आपका जो डर है वो मेरी गारंटी है क्लियर हो जाएगा। एक दो सेशन नहीं, मैंने तकरीबन 7 लेक्चर लिए हैं, और हर वेराइटी के क्वेश्चन को हमने कवर किया है, हर वेराइटी के क्वेश्चन को हमने यहाँ पे कवर किया है, गॉट इट।
आई बात समझ में? इसके बाद और कौन सा टाइप आता है क्वेश्चंस में? सो टॉपिक वाइज अगर आपको जाना है, आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे मिक्स अर्थमेटिक क्वेश्चन आपने तो सिखाए हैं बट मुझे टॉपिक वाइज और क्लैरिटी से जाना है, कुछ कंसेप्चुअल टाइप है जो मेरे कवर नहीं हुए हैं, दोस्तों मैंने एप्टी एकेडमी पे टोटल सारे लेक्चर, लगभग सारे लेक्चर पढ़ा रखे हैं। एक दो लेक्चर ऐसे हैं जो मैंने शायद नहीं पढ़ाए हैं टॉपिक वाइज, लेकिन सून मैं वो भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम रहा है, मेंसुरेशन का 3D पार्ट रहा है, और एक एजेस का टॉपिक रहा है। ये तीन टॉपिक हैं शायद मैंने अभी तक नहीं डाले हैं, लेकिन इसके अलावा सारे टॉपिक, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, आपका मेंसुरेशन 2D, एरिया, वॉल्यूम, ये सारे टॉपिक्स मेरे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको गो थ्रू कर लेना है। इसका भी प्लेलिस्ट मैंने आप शेयर किया है इसके डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, तो कुछ भी आपको कोई पेड लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, गो फॉर इट, आइए जुड़िए। क्लियर? अगर आप ऑलरेडी काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, आई नो कि कितना पैसा, कितना समय आपने अपना इन्वेस्ट किया है, तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। और मैंने आपको लॉकडाउन शुरू हुआ था जब भी मैंने बोल दिया था कि ये 2-3 महीने में टोटली ऑनलाइन पढ़ाऊंगा और मैक्सिमम कंटेंट आपको टोटली फ्री प्रोवाइड करूंगा और एकदम क्वालिटी के साथ में। आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, जो मैंने मेंस के सेशन लिए हैं वो प्योर मेंस के सेशन है और वो आपको हर लेवल पे काम आने वाले हैं। ठीक है ना, इस वीडियो के थ्रू मैं जो भी चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ये वीडियो वाकई में अगर आपने ढंग से सुना है तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगा क्रैक करने का एग्जाम को, और साथ ही साथ वैलिड कॉन्टेंट भी मिलेगा। ठीक है ना, बेहतरीन कंटेंट है दोस्तों, बस आपको पढ़ना है, ट्रस्ट रखिएगा और पढ़िएगा, डेफिनेटली यू विल गेट योर थिंग्स। ओके, आपको अलग से कुछ और करने की जरूरत नहीं है, इतना मैं बताना चाहता हूं। सब कुछ हमने डिस्कस कर रखा है, सब कुछ हमने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, आप लोगों को एक्स्ट्रा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ता हूं, सोर्स नंबर 6, ये भी बेहतरीन सोर्स है दोस्तों। मैं आपको पता है हर सैटरडे अनअकैडमी के चैनल पे मैं अपने मैराथन सेशन लेके आता हूं 40 क्वेश्चन के बेस्ड पे। ठीक है ना, तो 40 क्वेश्चन के ऊपर मैं सेशन हमेशा लेके आ रहा हूं, तो मैंने अभी तक इसके ऊपर 6 या 7 लेक्चर, 7 लेक्चर एग्जैक्टली, 7 लेक्चर मैंने इसमें कंडक्ट कर चुका हूं अभी तक। ओके, तो इसको फॉलो कीजिएगा। ये सारे लेक्चर का जो प्लेलिस्ट है ये मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और इनसे जुड़ी हुई PDF भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखी है, तो वहां से आप लोगों को सारे मैराथन सेशन के टेलीग्राम चैनल से लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने केवल और केवल मेंस लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ठीक है, और आने वाले समय में हर वीक करता रहूंगा, सो डोंट वरी, एवरी सैटरडे में कंडक्ट कर रहा हूँ, तो जब तक आपकी एग्जाम नहीं होती आपको और आने वाले 4 या 5 सैटरडे मिल जाएंगे, वहां पे और भी आपको ये क्वेश्चंस जुड़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। कुछ बच्चे जो फॉलो कर रहे हैं कमेंट करके प्लीज बताइएगा कैसे लग रहे हैं सेशंस, और एकदम मेंस लेवल दिया है मैंने इनमें भी, और इनके क्वेश्चंस जो हमने पिछले क्वेश्चंस कवर किए इनसे अलग है। कहीं पे भी ये जो मैंने आपको सोर्सेज बताए हैं 6 के 6, कहीं पे क्वेश्चंस भी कवर नहीं, क्लैश नहीं हो रहे हैं, सारे यूनिक क्वेश्चन है, सारे नए क्वेश्चंस है, रिपीटेटिव क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है ना, गॉट इट? तो प्लीज इनको ढंग से फॉलो कीजिएगा, ईमानदारी से अगर आपने इतने भी क्वेश्चंस फॉलो कर लिए, इतने भी क्वेश्चंस बना दिए दोस्तों, दैट इज मोर देन सफिशियंट। लगभग हर मैराथन सेशन में जो मैंने पैटर्न रखा है 15 से 20 अर्थमैटिक क्वेश्चन हमने रखे हैं। अगर 15 क्वेश्चन अर्थमेटिक के हैं तो 5 क्वेश्चन या तो क्वांटिटी 1-2 हमने रखा है या फिर हमने उसमें डेटा सफिशिएंसी को रखा है। उसके बाद हर ग्राफ के हर किसी के अंदर 15 क्वेश्चन DI के मैंने रखे ही रखे हैं, और 5 या 10 क्वेश्चन मैं जो रखता हूँ वो नंबर सीरीज के दे देता हूँ। तो इस तरह से ये पूरा कंपेंडियम मैंने लगभग हर वीक फॉलो किया है, तो यानी आपको हर वीडियो के अंदर 3 DI तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये DI हमने जो DI कवर किए हैं उनसे बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल नए हैं, और एकदम नए पैटर्न के ऊपर है, लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर है, तो गो थ्रू दैट, फॉलो करो इनको। ठीक है, डेफिनेटली आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। ओके दोस्तों, तो ये टोटल 6 सोर्सेज मैंने अभी तक आपको बताए हैं, आप इनको ईमानदारी से फॉलो करिए, मैं गारंटी से बोलता हूँ आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं को रिपीटेटिव मोड में 2 से 3 बार सॉल्व कर लीजिए, ईमानदारी से 2 से 3 बार। ऐसा मत करिए मैंने एक बार देख रखा है चलो हो गया छोड़ दो, नहीं, दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, लेकिन इनको रिपीटेटिव मोड पे कवर कीजिए, डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। ओके, और इंपॉर्टेंट चीज ये बात कहना चाहूंगा, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बार बार मैसेज करते हैं, मुझसे मुझे मैसेज करते हैं, या मेरे किसी और जो स्टूडेंट है जो अच्छा करते हैं, मैं जिनका मैथ्स बढ़िया है, उनको मैसेज करके बार बार यही चीजें पूछते हैं, सर कैसे पढ़ें, DI कहाँ से करें, वो फलाना कहाँ से करें, बार बार वही चीजें पूछते हैं बट लेक्चर नहीं अटेंड करते हैं।
ना वो लाइव आते हैं, ना वो ऑफलाइन देखते हैं, ना हम पीडीएफ भेजते हैं, ना वो उनको गो थ्रू करते हैं। देखो ऐसा सिर्फ पूछने से सिलेक्शन नहीं होगा, आपको इसके लिए एफर्ट लेने होंगे। मैं मान सकता हूँ क्योंकि मेरा जो कंटेंट रहता है मोर ओवर मेंस लेवल का जो रहेगा एकदम एग्जाम पैटर्न पर रहता है। अगर आपकी उतनी तैयारी नहीं है शायद कुछ चीज़ें बाउंस हो जाएं, लेकिन अगर आप एक बार एक तैयारी के लेवल पे आएंगे तो मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ये मेरी पूरी गारंटी है। और अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे अपने क्वेश्चंस के डाउट रखिए, मेरे बहुत सारे एडमिन्स हैं वहाँ पे जो आप लोगों को इंस्टेंटली हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो डेफिनेटली आपको अपने क्वेरीज भी सॉर्ट होते हुए मिलेंगे, ओके। तो आप अगर ये जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं अगर आप ईमानदारी से इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा ही आएगा। मैं मान ही नहीं सकता कि आप अपने एग्जाम को क्रैक न कर पाए, ठीक है। सो दोस्तों अच्छे से तैयारी कीजिए, ओके। इस साल का मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, काफ़ी सारे बच्चों का आईबीपीएस का जो रिजल्ट है काफ़ी पॉजिटिव रहा है। मेरे ऑफलाइन क्लास से तकरीबन 50 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और 50 से ही प्लस 50 प्लस कैंडिडेट हमसे ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जो क्लर्क मेंस पीओ इनको क्रैक किए हैं, और फाइनल क्रैक की बात कर रहा हूँ। यानी टोटल इन ऑल मेरा जो रिजल्ट रहा है तकरीबन 100 प्लस कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपने रिजल्ट को प्राप्त किया है, ठीक है, क्लियर। तो मैं भी चाहता हूं अगले जो रिजल्ट आएंगे उनमें आप लोग भी शामिल हो ताकि हम लोग आप लोगों पे भी बात कर सकें, ठीक है। हाँ, हालांकि मैंने अपने चैनल पे किसी का अभी तक ऐसा सिलेक्शन का वीडियो नहीं डाला है, तो इसमें मैं समझता हूँ मतलब अपनी स्टोरी खुद लिखे हम तो दैट वुड बी अ बेटर थिंग, ठीक है ना। जिन्होंने अचीव किया है उन्होंने मेहनत की है, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। लेकिन आप उनसे भी ज़्यादा अगर मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आप उनसे बेटर रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फॉलो कीजिए, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पढ़ाई करना, न कि इन सब चीज़ों में उलझना, ठीक है। किसी और ने क्या स्ट्रेटेजी रखी थी, किसी और ने कैसे पढ़ा था, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी कंटेंट पे ध्यान दें, जो चीज़ें आपको समझ में आ रही है उनको फॉलो करें और उसको बेहतर तरीके से अप्लाई करें इन योर एग्जामिनेशन, दैट इज़ द क्रिटिकल थिंग, ठीक है। और जो नए बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिनको अभी तक ये कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, अनअकैडमी पे मेरे बैचेस रन हो रहे हैं, अनअकैडमी पे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ मेरा कोड लगा लीजिए लोकेश, यहाँ पे मैं बेहतर तरीके से आप लोगों को पूरा तैयारी करवा के दूंगा, ठीक है। अभी मेरा एक प्रेजेंटली बैच चल रहा है SBI PO को मैंने फोकस किया है, जिसमें मैं अभी फिलहाल बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो बच्चे मेरे उस कोर्स को अटेंड करते हैं वो अपने कमेंट बता सकते हैं कि किस तरह से हम इस क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। बेसिक टू एडवांस का मतलब ये है मैं पहले एक टॉपिक का पूरा बेस क्लियर करता हूँ और अगले दिन उसके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी कवर करवाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेसिक बेसिक पढ़ा के छोड़ रहा हूँ, नो, एकदम एग्जाम लेवल पे आपको बेसिक और एडवांस दोनों तरह के क्वेश्चंस मैं कवर करवा के दे रहा हूँ, ठीक है। और ये पूरा टॉपिक वाइज कवर हो रहा है, ठीक है। जिन लोगों ने लेक्चर मिस भी किए हैं तो वहाँ पे अनअकैडमी पे सारे लेक्चर रिकॉर्डेड रहते हैं, तो जो लेक्चर मिस भी हुए हैं वो आप अटेंड कर सकते हैं। सेकेंड चीज, जून में, जून 16th या 17th से वी आर लॉन्चिंग वन बैच फॉर DI। जिन लोगों को DI में तकलीफ जाती है, जिनको नहीं समझ में आता है, तो भी आप इस इधर मुझे ज्वाइन कर सकते हो। डेली शाम को 5 बजे मेरा वहाँ पे सेशन रहता है अनअकैडमी प्लस पे, पेड बैच है मेरा, तो डेफिनेटली इसको फॉलो कर सकते हैं आप लोग, 5 PM डेली, ठीक है। इसके अलावा जब ये DI खत्म हो जाएगा फिर मैं स्पेसिफिकली मेंस का एक बैच लेके आऊंगा, प्योर मेंस का बैच, जिसमें बेसिक नहीं बताऊंगा, सीधा मेंस पे लेके जाऊंगा, क्योंकि बेसिक्स और एडवांस के कंसेप्ट मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेंस लेवल के क्वेश्चंस की बेहतरीन प्रैक्टिस करवाई जाएगी और इसका फोकस जो रहेगा टोटली ऑन SBI PO पे रहेगा, ठीक है। क्लैरिकल के लिए मैं जानबूझ के कोई बैच नहीं लेके आ रहा हूँ प्लस के ऊपर, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप कुछ और चीज़ों में फंसे। आपको मैं टोटली सारी प्रिपरेशन क्वांटिटेटिव से रिलेटेड मैं टोटली फ्री प्रिपरेशन आपको यहाँ करवा के दे रहा हूँ, तो फॉलो करते रहिएगा हमें इस चैनल पे, डेफिनेटली इट विल बी यूजफुल फॉर यू गाइस, ओके दोस्तों। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को तक पहुँचा होगा और दिल और दिमाग तक पहुँचा होगा, तो तैयारी में जुड़ जाओ दोस्तों। आई वॉन्ट 100% फ्रॉम योर साइड, और आपको आने वाले समय में ऐसा नहीं है इतना पढ़ा दिया है तो अब आगे मैं SBI का नहीं पढ़ाऊंगा, आगे और भी आपको सेशन देखने को मिलेंगे। मैं एक और सीरीज प्रिपेयर कर रहा हूँ फॉर अर्थमेटिक क्वेश्चंस, जैसे एक बार आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट होता है, मेंस की डेट क्लियर होती है, तो हम वो सेशंस भी फिर से स्टार्ट करेंगे, रिज्यूम करेंगे। तो फॉलो करते रहिएगा हमें इस चैनल पे, एप्टी एकेडमी पे, अन अकेडमी पे, दोनों जगह पे मेरे लाइव सेशन चल रहे हैं, फॉलो कीजिए, जितना आप मैक्सिमम अटेंड कर सकते हो कीजिए, क्लियर, ताकि आप अपने कंसेप्ट को, अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकें।
ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर, फॉर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल एज वेल। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेहतरीन कंटेंट मिलेगा आने वाले समय में, और भी हम सब्जेक्ट्स को एड ऑन करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर SBI क्लेरिकल एंड RBI असिस्टेंट बोथ द एग्जामिनेशंस। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।